गुड मॉर्निंग, मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो इस्तेमाल करके देखिए, ये है स्पायरुलिना, जो कैप्सूल को खोलकर ये खोला तांबे के बर्तन में। देखिए, एक बात ये भी है कि आप बर्तन यूज़ कीजिए पीतल या तांबे की, एल्युमिनियम की मत कीजिए, प्लास्टिक की इस्तेमाल मत कीजिए। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, आपका विटामिन वगैरह जो होता है सब्ज़ी में और चीज़ों में उस एल्युमिनियम खींच लेती है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हमेशा बर्तन अच्छे यूज़ करें। ये स्पायरुलिना डाल दिया इसमें चार, और उसके बाद इसके अंदर आटा डाल रहे हैं। बिहार में, यूपी में बहुत जगह चीला बनाते हैं। चीला मतलब आटे में पानी डाल के, कोई कोई नमक भी डालते हैं और कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग गुड़ डालते हैं, और इसको मिला के और तेल डालने के बाद ये नमक डाल रहे हैं। वो भी नमक सीधा नमक है, सफ़ेद नमक नहीं, जो टाटा का सब कुछ जो खाते हैं ना वो नमक नहीं है, सीधा नमक। सीधा नमक ही प्योर होता है, बढ़िया होता है। तो आप लोग भी सीधा नमक ही इस्तेमाल कीजिए। अब ये आ जाइए, अब इसके अंदर पानी डाला जा रहा है, ठीक है। पानी डालने के बाद अब इसको मिलाया जा रहा है। देखिए, जब आप चीला बनाएंगे तो चीला बनाने में तेल यूज़ करते हैं, और तेल जब डालेंगे तवे पे तो क्या होगा, वो आपको कब्ज करेगा, एसिडिटी करेगा। मगर हमारी कंपनी में एक तेल ऐसा है जो फैट नहीं करता, नुकसान नहीं करता। ये हो गया तैयार आटे चीला बनाने के लिए। बिहार में चितवा बोलते हैं, चितवा बना के खाते हैं। ये तवा है, और इस तवा के ऊपर अब डालने वाले हैं, ये देखिए, गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे फैटी नहीं होता, लीवर फैटी नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। अब आप आ जाइए तवे के ऊपर, देखिए ये गैनो ऑयल है, ये तेल डाला गैनो, इसको मसाज भी कर सकते हैं आप, मतलब जानते हैं, ये हिला लीजिए। हिलाने के बाद क्या होता है, वो पूरा अंदर का माल मिल जाता है, इसके अंदर गैनोडर्मा भी होता है। ये देखिए, हमारे मिस्टर भरत गर्गे जी भी इसी में खाना बनाते हैं, कभी उनके यहाँ आप जाइए तो इसी तेल का बनाए हुए खिलाएंगे, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ज़रूर जाइएगा एक दिन मिस्टर भरत गर्ग सीए है क्राउन एम्बेसडर के घर। और ये आटे डाल दिया गया, ये चीला बन रहा है, ये एक तरफ बन चुका है, अब दूसरे तरफ से बन रहा है। देखिए क्या मस्त मुंह में पानी आ रहा है, ये दोनों तरफ से तैयार हो चुका है। अब इसे उतारा जा रहा है, अब उतारने के बाद इस पे जो दूसरा बचा खुचा है वो डाला जाएगा, दूसरा ये थोड़ा सा जो बच गया था इसको डाला जा रहा है। ये लीजिए, अब ये तैयार दोनों तरफ का, अब ये खाने के लिए थाली में रख दिया है। अब इसको डी एक्शन बाबा इंजॉय करेंगे स्पायरुलिना, डी एक्शन स्पायरुलिना वाले साथ। और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या है, ये देखिए गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये स्पायरुलिना। तो आप भी ऐसे एक कर सकते हैं तजर्बा, और इसका फ़ायदा उठाइए, बहुत हल्का, बहुत मज़ा आ गया खाने में। थैंक यू हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।